कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डालने का काम किया। ये राहुल बाबा, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था, हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे, मुझे ताना लगाते थे। मैं आज राहुल बाबा को तिथि कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं और 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में वही जगह पे रामलला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित होंगे। मित्रों, और एक कांग्रेस पार्टी माताओं भाइयों बहनों, हमारे शासन में महाकाल लोक बना। दुनिया भर से जितने लोगों ने महाकाल लोक का विजिट किया, दर्शन किया, सभी ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है, एक कमलनाथ के अलावे। उज्जैन वालों बताओ मुझे, महाकाल लोक के निर्माण का जो विरोध करते हैं वो कांग्रेसियों को मध्य प्रदेश में शासन का अधिकार देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? सिर्फ महाकाल लोग नहीं, मोदी जी के शासन में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरोद्धार हुआ, और मित्रों भारत चंद्रयान से चंद्रमा पर भी पहुंच गया, ये मोदी जी का। हम कुछ भी करते हैं, एक कांग्रेस को विरोध करने की आदत पड़ गई। हम ट्रिपल तलाक हटाते हैं, ये कहते हैं ट्रिपल तलाक मत हटाइए। हम धारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं धारा 370 मत हटाइए। हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सीधा करने का काम करते हैं, वो कहते हैं उसमें भी उनको पेट में दूं। अरे राहुल बाबा, आपके समय में आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आ जाते थे और बम धमाके कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी के समय में उरी और पुलवामा में हमला किया, वो पाकिस्तान के घुसे हुए आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही। देश भर के लोग, जब दुनिया के इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष G20 में आए, आनंद हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहे। मुझे बताओ, महाकाल के गांव वाले लोग, उज्जैन के लोग, G20 से भारत का यश बड़ा है या नहीं बड़ा है? भैया, आपको आनंद हुआ है या नहीं हुआ है? इसमें भी कांग्रेस ने विरोध कर दिया। अरे जरा डूब मरो, महात्मा गांधी की समाधि पर दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष जब रीग लेकर खड़ा होकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मगर इनका स्वभाव है विरोध करना। मित्रों,
इन्होंने 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार ने कुछ नहीं कहा, भारत के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी ने भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम सिर्फ 10 साल के अंदर किया, और आने वाले 2 साल में भारत का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर पर आ जाएगा। इस प्रकार के अर्थतंत्र की गति नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, सीमाओं को चौक चौबंद किया, वामपंथी उग्रवाद पर नगेल कसी, कश्मीर में